बज रहे 4 और वंदे भारत ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं और हमें मिला है शाम का नाश्ता। नाश्ते में मिला है मुरमुरी, चिक्की और जूस और गरम गरम कचौरी। तो फ्रेंड्स, और इसी रेडीमेड आप चाय भी बना सकते हो, मसाले की चाय। और ये देखिए, ये मसाला की चाय है और इसे बहुत ही इजीली बनाना है ओनली दूध में डाल के। तो आगे वीडियो में देखेंगे आप। और ये एक चिक्की का पैकेट मिला है, सॉस मिला है और मुरमुरे, और जो हमारा कचौरा है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और अभी हम झटपट यहाँ खाने के लिए रेडी। नाश्ता तो ये शाम का है, अभी शाम को खाना भी मिलेगा। और इस तरीके से मैंने थोड़ी सी झलक आपके साथ आज का ब्लॉग शेयर किया है। और मेरे बच्चे भी यहाँ खा रहे हैं और हम भी यहाँ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग सबको अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ हम कचौरी के साथ सॉस खाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने सॉस निकाला और एकदम से कचौरी के ऊपर डाला और ये देखिए बहुत सारा गिर गया, ढेर सारा गिर गया। और कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खा लेंगे। और बहुत ही टेस्टी लगा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। गर्म गर्म कचौरी खाने का क्या ही मज़ा है, वो भी ट्रेन में बैठ के। तो मैं यहाँ खाने लगी एकदम मज़े मज़े से। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे मसालेदार चाय, और ये पैकेट आता है, ये भैया ने दिया था। तो अभी हम इसे खोलते हैं और बनाते हैं चाय। और बहुत ज़्यादा गर्म है और ये गर्म पानी दिया है भैया ने, ये गर्म पानी है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसमें हम पूरा मसाले के जो पाउडर है वो डाल लेंगे और हमारी जो चाय बनके रेडी होता है। बट इसलिए नेचुरली, मतलब क्या है कि शुगर बहुत ज़्यादा नहीं रहता और सारे मसाले होते हैं, इतना तीखापन लगता है जितनी। और यहाँ एक पैचुला भी दिया होता है मिक्स करने के लिए, और इस तरीके से मैंने मिक्स किया और बहुत ज़्यादा गर्म था और इसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, और ये मसालेदार चाय था तो फिर भी ठीक है। और यहाँ हम कचौरी के साथ चाय भी मज़ा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरे को चाय इतनी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था, इतना मसाला इसमें डाला हुआ था। तो ट्रेन में भी सब कुछ मिलता है, ये बहुत ही मज़ेदार की बात है। और हमारा जो चाय है वो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। देखिए, हमारा चाय गर्म पानी में डाल के, मसाला डालने के बाद हमारा चाय का लुक जो है वो ऐसे आता है। बट इसमें थोड़ा सा और शुगर होता तो अच्छा होता। तो फ्रेंड्स, यूज़फुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग।